अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली हजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए तहीनी बिस्किट लेकर आया हूँ, तहीनी कुकीज़। तहीनी एक अरेबिक स्प्रेड है जो हम तिलों के साथ बनाते हैं। मैं आपको बनाना सिखा चुका हूँ, आप मेरे वीडियो सेक्शन में चेक कर सकते हैं, उसे मैं आपको हमूस पे बनाना सिखा चुका हूँ, और बाबा गनोश वगैरह और शवारमा जो है सॉस भी बनाना सिखा चुका हूँ जो हम हमूस से बनाते हैं, जो हम सॉरी तहीनी पेस्ट से बनाते हैं। तहीनी पेस्ट, इसे तहीनी पेस्ट कहते हैं। ये कैसे बनाया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। एक कप तिल लेके आपने इसे साफ़ करके उसे टोस्ट कर लेना है, और उसे फिर आपने ब्लेंडर के अंदर डालकर थोड़ा थोड़ा इसमें तेल मिलाना है और साथ साथ से ग्राइंड करते जाना है, और जब इस कंसिस्टेंसी के दरमियान आ जाए, इस विस्कोसिटी के दरमियान आ जाए, तो आप इसे स्टॉप कर दीजिएगा। तो ये तो था हमारा तहीनी बनाने का तरीका, लेकिन आपने अगर डेमो वीडियो देखनी है तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलो दोस्तों बनाना शुरू करते हैं तहीनी बिस्किट्स। दोस्तों ये बहुत सिंपल और इजी हैं, मैं आपके लिए हमेशा इजी और आसान रेसिपीज़ लेकर आता हूँ। इसे मैं कढ़ाई के अंदर बनाऊँगा, मैंने कढ़ाई में ऑलरेडी काफ़ी बेकिंग कर ली है। 15 मिनट हम एक साइड पर देंगे और 15 मिनट दूसरी साइड पर देंगे मीडियम लो के ऊपर, और इस पैन के अंदर हम बनाएँगे, और ये वाला हम मोड़ यूज़ करेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप गोल बना लें या छुरी के साथ इसे स्केयर काट लीजिएगा बिस्किट्स को। चलिए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं। चार टेबल स्पून मैंने लिया है तहीनी पेस्ट, 4 टेबल स्पून ही मैंने लिया है पिसी हुई चीनी, 1 कप मैदा, 1/2 टीस्पून हम इसमें इस्तेमाल करेंगे बेकिंग पाउडर, और 1 चुटकी हम इसमें साल्ट डालेंगे। साल्ट डालने का मकसद यह है इससे चीनी के साथ मिक्स होकर इसका फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है, और हमें पानी चाहिए एज़ पर रिक्वायर्ड, 1 से 2 चम्मच जाएगा या जितना भी ज़रूरत होगी हम इस चम्मच के साथ बिस्किट के अंदर डालेंगे। चलो दोस्तों इसका मिक्सचर बनाते हैं। लें जी दोस्तों, मैंने एक बर्तन ले लिया है, कोई सा भी ले लें आप, और बनाने से शुरू कर देते हैं। सबसे पहले 1 कप मैदा डाल देंगे इसमें, 4 टेबल स्पून चीनी, 1 चुटकी के करीब नमक, और ये 4 टेबल स्पून तहीनी पेस्ट है। मैंने आपको ये बनाने का तरीका बता दिया है। ये तिलों वाली बिस्किट्स हैं, तिलों वाले कुकीज़ हैं जिसे तहीनी कहते हैं, तहीनी पेस्ट वाले। दोस्तों से दूर बनाइए, बहुत अच्छे बनते हैं। ये सारा शामिल करते हैं बीच में। ये आप बरसात में चाय के साथ खाएं, कॉफ़ी के साथ खाएं, आपको बहुत मज़ा देगी। सर्दियों की आइटम है, गर्मियों में भी बना के आप खा सकते हैं। ये हो गया दोस्तों, अब हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून, उससे ज्यादा नहीं। दोस्तों अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। इसे क्रम्बल कर लें, फुटकी फुटकी जिसे कहते हैं। इस फॉर्म में जब आ जाएगा तो हम इसके बिस्किट्स बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी बीच में डालेंगे इसके बैटर में। हाथों के साथ करते हैं जल्दी हो जाए। लेंगे दोस्तों ये हो गया, अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा।
हमने इसका जो बैटर है बिल्कुल सख्त रखना है, जैसे समोसों का हम बनाते हैं। चलिए दोस्तों, मैं इसे गूंथता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं जी दोस्तों, मैंने जो तहीनी बिस्किट बना रहे हैं, हम तहीनी कुकीज़ बना रहे हैं, मैंने आटा गूंद के, ये देखिए इस तरह होना चाहिए कि हाथ लगाएं, हाथ में चिपके भी ना और बहुत स्मूथ सा हो। तो अगर आपके हाथ में थोड़ा सा चिपक रहा तो आप इसमें हाफ टी स्पून या 1 टीस्पून के करीब वेजिटेबल घी डाल दें ताकि आपके हाथ में ना चिपके। तो मैंने इसे रेस्ट दिया हुआ था 15 मिनट के लिए। अब हम इसके बिस्किट बनाना शुरू करते हैं। 1/4 के करीब इंच के हम बेलेंगे और उसे हम किसी भी शेप के बिस्किट बना लेंगे। मैं ये फ्लावर वाले बना रहा हूँ शेप के। चलिए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं इसे। मैंने एक चिकना बेलना भी दिया हुआ है। दोस्तों ये काफ़ी बिस्किट बन जाएंगे, तकरीबन 20 के करीब, 15 से 20। थोड़ा सा आपने लेना है इस तरह पेड़ा, ऐसे रखें। इस तरह बेल लें इसे आराम से। वन फोर्थ इंच के करीब आपने इसका साइज रखना है। आराम आराम से आप इस तरह बेल लें ताकि आराम से ये नीचे से उतर जाए। देखिए इस मोटाई के आपने रखना है, मैं आपको दिखाता हूँ। इतना मोटा आपने तकरीबन रखना है। फिर ये एक मोड़ ले लें, इस तरह बना लें। ये आराम से उखाड़ लें ऊपर से। लेंगे दोस्तों, हमारे 4 बन गए। मैं इसे एहतियात के साथ इसके अंदर रखूँगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लें जी दोस्तों, ये मैंने 7 तैयार किए हैं। 7 के करीब हम बेक करते हैं। मैंने कढ़ाई रखी हुई है ऊपर चूल्हे के ऊपर, मीडियम लो के ऊपर। इसे ओवन, जो कढ़ाई ओवन मैंने बनाया हुआ, इसके अंदर रखूँ। मैंने नीचे रेत पर छा के ऊपर जाली स्टैंड रखी है, इसके दरमियान में आप ये रख लेंगे। 15 मिनट एक साइड पे और 15 मिनट फिर दूसरी साइड पे हम रखेंगे इसे। नहीं जी दोस्तों, हमारी एक साइड हो चुकी है, तकरीबन 15 मिनट दिए हैं। इसे एहतियात के साथ पलटते हैं ताकि टूटे भी ना, और आराम से हम पलट दें इसे। बहुत एहतियात के साथ में इसे पलटना। ये देखिए एक साइड कितने प्यारे तरीके से हो गई है। हम 15 मिनट, 10 से 15 मिनट देंगे, 10 मिनट बाद चेक कर लेंगे, तो फिर हम इसे उतार लेंगे। फिर हम दूसरा बैच लगाएंगे इसमें। तकरीबन ये 14 से 15 बिस्किट बन गए हैं हमारे। दोस्तों बहुत एहतियात सा कीजिएगा, एक तो हमारा पैन भी बहुत गर्म है और ये हॉट होगा, टूटने भी नहीं देना चाहिए इसे। चलें दोस्तों, मैं 15 मिनट के लिए इसे, 10 से 15 मिनट के लिए दूसरी साइड पर रखता हूँ। होप ये जल्दी हो जाएंगे। लें जी दोस्तों, हमारे मज़ेदार तहीनी बिस्किट या तहीनी कुकीज़ तैयार है। तो इसमें जब आप इसे खाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा तिल के
दिल का टेस्ट आएगा और बहुत मज़ा आएगा आपको, आपको लाइट फील होगा। आप इसे चाय के साथ खाएं, कॉफ़ी के साथ खाएं, या जब भी आपका दिल चाहे जैसे मर्जी खाएं। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये उल्टी साइड है, ये सीधी साइड से देखिए मैंने कढ़ाई के अंदर से बेक किया है, और ये देखिए कितने क्रिस्पी हैं, देखिए मैं खा के भी सकूँ, मेरा सब बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत क्रिस्पी बने हैं। चलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्राउड के नाम से, इसे भी आप सब्सक्राइब कर लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और मेरे दोनों जो चैनल हैं उनके बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें।